सभापति जी बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन धन्यवाद के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ये ऐसे बिल हैं जिन बिलों में अधिकांश, यदि हम भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत बात करें तो महिलाओं को सुनना बहुत जरूरी है। और मैं सोचती हूँ कि मेरे से पहले बहन सुनीता जी दुग्गल बोली और पूरी बात नहीं कह पाई, आप अपनी तो बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि आप अपनी हमारी बात पूरी सुनिए। मैं केंद्रीय मंत्रालय से, गृह मंत्रालय के माध्यम से जो ये तीन बिल आए हैं, तहे दिल से इनका समर्थन करती हूँ। लेकिन इन बिलों के साथ साथ मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 का जो बिल है ये महिलाओं से संबंधित है और इसके अंतर्गत महिलाओं के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए और जिस तरह से कानून की प्रक्रिया को बदलते हुए आपने ये बात कही, लेकिन इसका प्रारंभ हुआ था 15 अगस्त को जिस समय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 5 प्रण के लिए लाल किले की प्राचीर से बोले, उनमें एक प्रण यही है कि गुलामियत की जितनी निशानियां हैं उन सबको मिटाया जाए। तो ये भी गुलामियत की ऐसी निशानी थी जो 1860 से लगातार हमारे ऊपर ये कानूनी जामा चल रहा था। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि इंडियन पीनल कोड 1860 की जगह ये भारतीय न्याय संहिता 2023 का बिल आया है। और इसी तरह से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम बना, और ठीक इसी प्रकार इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह हमने भारतीय साक्ष्य विधेयक की कल्पना की है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि ये कानून केवल अंग्रेजों की सुरक्षा के लिए थे, हमारे देश के लोगों के न्याय के लिए नहीं थे। लेकिन इसके साथ साथ यदि हम देखते हैं, इसके साथ साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं के लिए जो कानून आपने स्थापित किए हैं और जिनमें परिवर्तन करते हुए सारी व्यवस्था की है, लेकिन ये कौन सा कृत्य कब अपराध के में बदल जाए और उसके लिए क्या सजा होनी चाहिए, ये व्यवस्था आपने करने की कोशिश की है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि प्रमुख बात है कि पहचान छिपाकर शादी करवाना उसका जो दंड तय किया है वो दंड पर्याप्त नहीं है। रेप के मामले हों, 16 साल से कम उम्र की बेटी यदि इस तरह से रेप से प्रभावित होती है, नाबालिग हो और उस समय में उनको मृत्यु दंड तो बहुत आसान है, लेकिन इसके जो आपने प्रस्तावित धाराएं लिखी हैं इनमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए। और मैं तो यहाँ भी कहूंगी कि यौन उत्पीड़न या पीछे करने वाले महिला का पीछा करने वाले लोग, उनकी सजा के बारे में भी इसमें बहुत न्यून सजाएं रखी हैं। और मैं एक महत्वपूर्ण बात कहूँ जो इसमें छूटी हुई है, जनजाति समाज के बहुत सारे सामाजिक संगठन, वहाँ उनका ही कानून लागू होता है, वहाँ आप हमारी ना तो ये भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कानून लगेंगे, वहाँ जनजातियों के अपने सामाजिक कानून होते हैं, वहाँ यदि पढ़ी लिखी महिला सरकारी नौकरी में है तो कानून उसको रक्षा देगा, लेकिन यदि पढ़ी लिखी नहीं है तो उसको कानून रक्षा नहीं देगा। ऐसी परिस्थिति में जनजातियों के बारे में आपको इसमें महिलाओं के सुधार के बारे में कानून में सुधार करना पड़ेगा। और मैं यहाँ तक कहूँ कि आज बचपन में सगाई कर दी और जैसे युवा हुई और उस बच्ची की इच्छा नहीं है उस जगह शादी करने की, उसको उठाकर ले जाते हैं, कानून रक्षा नहीं कर सकता उसका। जनजातियों की बात करती हूँ, वहाँ कानून रक्षा नहीं करेगा, वहाँ उसको कानून की दृष्टि से बिल्कुल वो अपाहिज हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में जब शादी होने के बाद भी बेटा यदि नहीं हुआ और बेटी है तो उसको अपने पैतृक उसकी संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में वो मजदूरी से या कहीं भी तरह से दुखी जीवन जीते हुए आगे बढ़ती है। तो ऐसी जनजाति की महिलाओं के लिए, ऐसे जनजाति समुदाय जिनके अंदर ये नीतियां हैं, जिस तरह ये व्यवस्थाएं हैं, उनके बारे में भी इस कानून में कोई बात उद्धृत होनी चाहिए थी। और मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि महिला को समानता का दर्जा, ये समानता का दर्जा तो आप लोग भी नहीं दे रहे, चेयर भी नहीं दे रहे। हम आज सुबह से ही हैं, हमेशा पूरे टाइम रहते हैं, उसके बावजूद सबके बाद मैं सोचती हूँ कि भाई सतपाल जी ने और विद्वान हमारे कानून मंत्री
शंकर, उन्होंने बिहार वालों ने, उन्होंने जिस तरह से विस्तार से बात बोली, क्या हम नहीं बोल सकते? हम भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको समय उचित देना चाहिए। और समय पर मैं तो हमारी चीफ व्हिप से भी कहूंगी कि वो महिलाओं के बोलने के लिए आप सुनिश्चित करें कि कम से कम दो के बाद, तीन के बाद, चार, पंद्रह के बाद आप बुला रहे हैं। क्या बोले हम? तैयारी करिए पूरी तीन दिन लगातार, लेकिन तैयारी के बाद हम पूरी बात नहीं कह सके। मैं तो यहाँ एक बात फिर कहूंगी कि अन्याय सहकर बैठ जाना ये बड़ा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बांधुओं को दंड देना धर्म है। जी, श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी। ये ऑन हो गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके आभारी हूँ कि आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण न्याय समिताओं पर बोलने का अवसर दिया है।